Now in today's class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 13.2. Exercise 13.2. Concept of this exercise is variance and standard deviation. Variance and standard deviation. देखो जो स्टार्टिंग के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उस पर हमें क्या फाइंड करना होगा, वेरिएंस, और लेटर ऑन हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी उसी तरह से चलेगी जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज से, यानी कि अनग्रुप डाटा। उसके बाद आएगा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या आएगा? डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो हमारा मेन कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का, दैट इज वेरियंस। तो हम ये समझते हैं कि वेरियंस होता क्या है। देखो प्रीवियस एक्सरसाइज जो आपने 13.1 की थी, वहां पे आपने क्या फाइंड किया था? मीन डेविएशन। क्या फाइंड किया था? मीन डेविएशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, राइट, 1, 2, 3, 4, 10 है ना, तो 5 ले लेते हैं ताकि मीन हमारा इजिली फाइंड हो जाए। ठीक है, अब मैंने कुछ वैल्यूज ली है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसका मीन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5। तो ये क्या हो गया? 15 / 5 कितना हो गया? 3। पहले मीन फाइंड करते थे मीन डेविएशन के लिए, फिर हम क्या फाइंड करते थे? एक्स माइनस एक्स बार। तो 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? -2। 2 - 3 क्या होगा? -1। 3 - 3 क्या होगा? 0। 4 - 3 क्या होगा? 1। और 5 - 3 क्या होगा? 2। लेकिन फिर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते थे एक्स माइनस एक्स बार, जिसमें क्या होता था, ये नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती थी? पॉजिटिव हो जाती थी। अब जब ये वेरिएंस मेथड निकाला गया तो ये देखा गया कि मीन डेविएशन से भी काफ़ी जगह पे एक्यूरेसी नहीं आती है, यानी कि जो वैल्यू आनी चाहिए उस हिसाब से एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। उसको लेके ही, उसको और इम्प्रूव करने के लिए हमने आ रहा जो नेक्स्ट मेथड आया वो क्या है? वेरिएंस का है। वेरिएंस मेथड में क्या किया जाता है कि जो आप ये एब्सोल्यूट लेके नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हो, हमने एग्जैक्ट मैथमेटिकली इसको पॉजिटिवली और किस बेटर वे में किया जा सकता वो देखा, यानी कि हमने क्या किया, इन वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया इस वैल्यू का। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार कंप्लीट स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। बात तो वही होगी कि नेगेटिव को आपने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। लेकिन इससे जो रिजल्ट आए वो इससे ज्यादा क्या थे? एक्यूरेट थे। तो आप ये कह सकते हो वेरियंस जो है, जहां पर ये मेथड आपका कहीं ना कहीं फेल हो जाता था, इसकी एक्यूरेसी फेल होती थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए नया मेथड था वो हमारा क्या था? वेरियंस। कैसे इम्प्रूव किया हमने? कि ये जो एब्सोल्यूट वाला पार्ट था इसकी जगह हमने क्या किया? इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। तो अगर मैं फॉर्मूले पर जाता हूं तो इंडिविजुअल सीरीज का, जैसे जो इंडिविजुअल सीरीज है इसके लिए स्टेप वन क्या होगा? अगेन स्टेप वन हमारा वही होगा, फाइंड मीन। फाइंड मीन तो क्या होगा? एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। और यहां पर क्या होता है? क्या होता है? एक्स आई। क्या होता है? एक्स आई अपॉन में। ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम स्टेप टू में क्या फाइंड करेंगे? स्टेप टू में क्या फाइंड करते हैं हम? स्टेप टू में हम क्या फाइंड करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार। स्टेप थ्री में क्या फाइंड करोगे आप? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और स्टेप फोर में क्या होगा? स्टेप फोर में क्या होगा कि जो आपका वेरिएंस होगा, क्या होगा? वेरिएंस इज विल बी इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरियंस। और इसका सिंबल जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर। वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं यहीं से बता दूं, मान लो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टेप फाइव। अगर मान लो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो वेरियंस आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ जो वेरियंस होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है सिग्मा। अब सिग्मा कैसे आया इसका स्क्वायर रूट? तो स्क्वायर रूट ऑफ जो वेरियंस होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? चले ठीक है। नो एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन एंड वेरियंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन एक्स आई की वैल्यू गिवन है आपको। अब एक्स आई क्या है आपका? 6, 7, 10, 12, 13, 4,
8 और 12, यही है वैल्यू। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे किसका, एक्स आई का। तो ये आपका एक्स आई हो गया, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। स्टेप वन क्या होता है, फाइंड मीन। तो मीन फाइंड करेंगे, तो मीन क्या हो गया आपका x बार विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन। अब यहां पर जो सम है कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको थोड़ा सा अगर और बेटर वे में लिखना चाहो तो i इज इक्वल टू 1 to 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, n, ठीक है। तो एक्स आई का सम देखो क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, n, n कितना है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8। इन सबको प्लस करके क्या आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 9, ये कितना आ गया, 9। अब क्या फाइन करेंगे हम, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 6 और 9 का डिफरेंस कितना, माइनस 3। 7 माइनस 9 कितना, माइनस 2। 10 माइनस 9, 1, 12 माइनस 9, 3, 13 माइनस 9, 4, 4 माइनस 9, माइनस 5, 8 माइनस 9, माइनस 1 और 12 माइनस 9, 3, यही होगा आपका। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 9। तो जब आप इसको प्लस करोगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार कंप्लीट स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा, 74। तो इसको प्लस करके क्या आएगा आपका, 74। इस पूरी वैल्यू को प्लस करके क्या आएगा, 74। कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नाउ वेरियंस, वेरियंस इज इक्वल टू, नाउ वेरियंस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, 1 बाय n सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n विद इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार कंप्लीट स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार कंप्लीट स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय n, n क्या हो गया आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया 1 बाय 8, और ये वैल्यू हमारी कितनी आई है, 74। तो अगर मैं 74 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 9 जा 72, 4 माइनस 2 0, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 4, 8 5 जा 40। तो आंसर क्या आएगा, 9.25। और वेरिएंस का सिंबल क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वैल्यू आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले आप एग्री करते हो 1 + 2 + 3 up to n सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है, इसके जो वैल्यू होती है, ये होती है n n + 1/2। कितनी होती है, n n + 1/2। कैसे होता है ये भी बता देता हूँ थोड़ा। ये ए पी बन रहा है, ये AP बन रहा है, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 विद इन ब्रैकेट a + an होता था, नहीं होता था। तो ये हो गया n/2, a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, an क्या हो गया, लास्ट टर्म। तो ये कितना हो गया, n n + 1/2, समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको दो वैल्यूज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है, n n + 1/2। इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज 1² + 2² + 3² up to n², इसकी वैल्यू होती है n n + 1 2n + 1/6। तो जहां आएगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर वहां क्या लिखोगे, n n + 1 2n + 1/6। जहाँ आएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर वहां हम क्या लिखेंगे, n n + 1/2। दो वैल्यू से क्लियर है आपके माइंड में, ठीक है। तो जहां हमें जरूरत पड़ेगी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो हम क्या कहेंगे, n n + 1/2। जहां होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, वहां हम क्या कहेंगे, n n + 1 2n + 1/6। ये क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर एक्स आई क्या है आपका, अगर मैं एक्स आई की बात करता हूँ तो एक्स आई क्या है, 1, 2, 3, 4 और अप टू एन, यही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर पहले क्या फाइंड करना है, मीन, क्या मीन, तो मीन क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, 2, n, मीन क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, 2, n I is equal to 1 to n xi divided by n, यही होगा कुछ, ठीक है, कि 1 से लेके n तक का सम, तो क्या हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 up to n divided by क्या हो जाएगा आपका, divided by क्या हो जाएगा n, divided by क्या हो जाएगा n। अब मुझे ये बताओ 1 से लेके n तक जो natural number का सम होता है उसकी value क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 बाय 2, तो क्या मैं इसकी जगह लिखूं n प्लस 1 बाय 2 अपॉन में ये n है, अपॉन में ये क्या है n है, इस n का मतलब क्या हो गया n बाय 1, इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय n, क्या इसी से एग्री करते हो, तो क्या ना सही दैट जो मीन है वो क्या हो गया आपका n प्लस 1 बाय 2, इसका मतलब जो x बार की वैल्यू है, जो आपका x बार है वो क्या आ गया n प्लस 1 बाय 2। तो मैं इसके साथ साथ ये वैल्यू भी लिख लेता हूँ कि जो एक्स बार है हमारा वो क्या आ गया एन प्लस वन बाय टू, एक वैल्यू हमारे पास और आ गई जिसका हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ मीन, वो कितना है एन प्लस वन बाय टू। चलें आगे, अब क्या फाइंड करना है हमें, वेरियंस, अब हमें क्या फाइंड करना है, वेरियंस, तो वेरियंस क्या होगा बताओ। नाउ जब आप वेरियंस फाइंड करोगे तो वेरियंस के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, नाउ वेरियंस, वेरियंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बाय एन सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है। इसको आप क्या लिखोगे, आप ये हो जाएगा 1 बाय एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और ये क्या हो जाएगा जी, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू क्या है, एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में वन बाय एन सबके साथ रहेगा, तो क्या नहीं से दैट ये हो जाएगा 1 बाय एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस 1 बाय एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एन प्लस 1 बाय टू का स्क्वायर, माइनस है प्लस माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या होता है 2ab, तो 1 बाय एन तो एज इट इज रहेगा, जब आप 2ab करोगे तो क्या समझ में आ रहा है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो समझ में आ रहा है, तो क्या रह गया, जब मैं इसको 2ab करूंगा देखो 2 इंटू एक्स आई इंटू क्या हो जाएगा एन प्लस 1 बाय 2, तो ये कैंसिल होना चाहिए, तो फिर क्या रह जाएगा सिग्मा, क्या रह जाएगा एक्स आई इंटू एन प्लस 1, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस ये बाहर कर दिया, 1 बाय एन तो सबके साथ ही जाएगा, 2ab, 2a इंटू b, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब एक्स आई स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा है, ये क्योंकि एक्स आई क्या है 1, 2, 3 सबका सम, उनके स्क्वायर का सम, तो क्या इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, समझ में आ रहा है, तो एक्स आई स्क्वायर का मतलब हो गया ये, चाहो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या हो गया 1 बाय n, और ये हो गया i इज इक्वल टू 1 टू n, एक्स आई स्क्वायर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, एग्री करते हो, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 1 बाय n। यहाँ से देखो
ये जो वैल्यू है आपकी n प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ तो ये हो गया n, क्योंकि आप n प्लस वन बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, जैसे इसको आप कॉमन लोगे यहाँ पर आ गया 1, वो 1 को अगर मैं n टाइम, चलो मैं लिख देता हूँ, तो जैसे इसको आपने बाहर ले लिया ये हो गया i इज इक्वल टू 1 टू n और ये हो गया 1। ये पूरी वैल्यू अगर बाहर आ गई तो इसकी जगह 1, अब 1 को प्लस करना है 1 से लेके n तक, 1 को प्लस करना 1 से लेके n तक, लाइक 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n। 1 को दो बार ऐड करते तो क्या आता है 2, 3 बार ऐड करते तो क्या आता है 3, जितनी बार ऐड करते वही वैल्यू आती है। तो 1 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा 1 से लेके n तक तो क्या आना चाहिए n, तो 1 को n टाइम्स ऐड करने पर n आता है, तो एक ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए जिसका हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये अब आगे आते हैं, अब क्या आ गया माइनस वन बाय एन, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, तो ये क्या हो गया एन प्लस वन। और सिग्मा एक्स आई, एक्स आई का मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, एग्री करते हो 1 प्लस सिग्मा एक्स आई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1। अब इनकी वैल्यूज बताओ क्या क्या होगी, ये हो गया आपका 1 बाय एन, ये हो गया आपका 1 बाय एन, I इक्वल टू 1 टू n, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या होती है, तो मैं सीधा लिखूं इसकी जगह क्या आ जाएगा n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, कोई डाउट है तो बताओ, प्लस 1 बाय n, प्लस 1 बाय n, n प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपका, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 1 को n तक ऐड करोगे, 1 को n तक ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए n, तो यहां पर भी n आना चाहिए, माइनस 1 बाय n, और ये क्या हो गया n प्लस 1, 1 को n तक ऐड करते हो, 1 को n तक ऐड करोगे तो क्या आएगा n, n प्लस 1 बाय 2, क्या आएगा n, n प्लस 1 बाय 2। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, चलो मैं आगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आप ये देखो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ रहा है कुछ, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो n प्लस 1 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 एक यहां से कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 एक यहां से कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब जो मेरा वेरियंस है नाउ, वेरियंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, मैं अगर यहाँ से n प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया 2n प्लस 1 बाय 6, प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा n प्लस 1 बाय 4, तो ये हो गया n प्लस 1 बाय 4, कोई दिक्कत, माइनस ये हो गया माइनस, और आगे क्या होगा n प्लस 1 तो कॉमन ले लिया तो ये हो गया n प्लस 1 बाय 2, ये क्या हो गया n प्लस 1 बाय 2, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ एलसीएम क्या आएगा यहाँ से, ये तो हो गया n प्लस 1, 12, ये हो गया आपका 12, 6 के टेबल में 12 आएगा किस पर 2 पर, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4n प्लस 2, 4 के टेबल में 3, 3 इंटू n क्या होगा 3n प्लस 3 1 जा 3, 2 के टेबल में किस पर आएगा 6 पर, 6 इंटू n क्या हो जाएगा 6n और माइनस 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 प्लस 3 क्या हो गया 7n, 7n माइनस 6n क्या हो जाएगा n, तो ये तो हो गया n, और 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 12, तो कैन आई से दैट फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्यों है, एक तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, तो पहले जो आपका एपी वाला चैप्टर होता था उसमें जो एक्सरसाइज होती थी उसका ये कंसेप्ट था, अब आप वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, वहाँ हम निकालते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल, अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया है कि ये जो वैल्यू है ये तो आपको एपी का पार्ट थी तो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अभी सिर्फ आप इतना माइंड में रखो कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का जो सम होता है, क्योंकि आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आपको करके नहीं दिखाना है, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, समझ आ गया, बस वैल्यू की जहाँ पे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम ये होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम ये होता है, वैल्यू पुट करके ये, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3,
तो फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब क्या हुआ, यहां पर बताओ एक्स आई क्या होगा आपका, एक्स आई फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री का टेबल, तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सेवन और थर्टी, ये हो गया आपका एक्स आई। तो अगर अब हम टेबल बनाते हैं, अगर हम क्या बनाते हैं अब टेबल, तो एक्स आई में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये सारी आ जाएंगी, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन और थर्टी। अब यहाँ आपको ये भी पता है कि n क्या है हमारा, स्मॉल n 10। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल n की बात करता हूँ तो वो भी कितना है 10। तो पहले क्या फाइंड करना है, x बार, क्योंकि हमें मीन और वेरियंस, तो मीन, जब आप मीन फाइंड करोगे मीन दैट इज x बार, तो क्या होगा सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n। अब देखो तो यहाँ पे हर जगह पे मैं स्मॉल n लिख रहा हूँ, अब मैं आगे आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा यहाँ पे क्यों स्मॉल एन आता है इंडिविजुअल सीरीज में। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी अगर गलती से यहाँ कैपिटल एन है तो ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल एन आता है, अगर कहीं एरर हुआ तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा क्या आता है, स्मॉल एन आता है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन अपॉन में स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इन सबको प्लस करके क्या आएगा, पहले तो ये देखो सम ऑफ एक्स आई कितना आएगा, हैं इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 165, इन सबको ऐड करके क्या आएगा 165, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू वन टू एन जो है हमारा, एन यहां पर क्या है हमारा, अगर इसी को आप लिखोगे तो ये क्या हो गया आई इज इक्वल टू वन टू टेन, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर टेन टर्म तक का सम, ठीक है, एक्स आई अपॉन में क्या हो गया आपका एन। तो जब आप इसको ऐड करोगे, ऐड का मतलब क्या हो गया, थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी, और डिवाइड किससे कर दोगे टेन से, तो इन सबको प्लस करके क्या आ रहा है 165, क्या आ रहा है 165। तो 165 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 16.5, ये कितना आएगा आपका 16.5। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि जो मीन है हमारा वो कितना आएगा 16.5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मीन की वैल्यू है हमारी दैट इज एक्स बार, इट इज इक्वल टू 16.5, इट इज इक्वल टू 16.5, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई मीन की जो किसके इक्वल है 16.5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 16.5 का जो डिफरेंस आएगा माइनस 13.5, 6 और 16.5, 6 माइनस 16.5 हो जाएगा माइनस 10.5, 9 माइनस 16.5 हो जाएगा माइनस 7.5, 12 माइनस 16.5 हो जाएगा माइनस 4.5, 15 माइनस 16.5 हो गया माइनस 1.5, 18 माइनस 16.5 ये होगा 1.5, 21 के साथ ये जो मीन का डिफरेंस आएगा 4.5, 24 के साथ आएगा 7.5, 27 के साथ आएगा 10.5, और 30 माइनस 16.5 आएगा 13.5। अब क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर करना है। अब क्या करना है, स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप इन सभी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो माइनस 13.5 का स्क्वायर, माइनस माइनस आपको पता सभी का प्लस होना है, 13.5 का स्क्वायर करोगे मीन्स 13.5 इंटू 13.5, तो ये वैल्यू आएगी 182.25। इसी तरह से सभी वैल्यूज के स्क्वायर, लाइक 10.5 का स्क्वायर 110.25, 7.5 का स्क्वायर 56.25, 4.5 का स्क्वायर हो गया 20.25, 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 डायरेक्टली हो गया 2.25, ये भी 2.25, 45 का स्क्वायर 2025 होता है तो 20.25, 7.5 का स्क्वायर 56.25, 10.5 का स्क्वायर 110.25 और 13.5 का स्क्वायर 182.25, ये और ये बहुत सेम वैल्यू है। जब इन सबको प्लस करोगे तो ये आएगा 742.5। अब वेरियंस का फॉर्मूला क्या था यही बता दो, वेरियंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 बाय एंड कैपिटल है स्मॉल, स्मॉल इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल एन आएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n, देन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यही होती है वैल्यू।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो n की जगह क्या आ जाएगा 10, और ये जो आपने प्लस किया हुआ है i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर n क्या है हमारा 10 अप टू n टर्म्स तक, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आई है 742.5। अब ध्यान से देखो, अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ तो 10 कितना होगा 100, तो दो डिजिट से पहले डेसिमल, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 74.25 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो ये आपके इंडिविजुअल सीरीज के सारे क्वेश्चन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो स्टेप वन, मीन कैसे फाइंड किया जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ कैपिटल एन है, कैपिटल एन क्यों है, क्योंकि कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एफ आई, जिसको आप और सम ऑफ एफ आई कहते हो। तो ये समझ में आ रहा है फर्क, कैपिटल एन का मतलब सम ऑफ एफ आई और स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा स्मॉल एन आता है, ये बात क्लियर होगी। और वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में वेरियंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बाय कैपिटल N सम ऑफ एफ आई आ जाएगा साथ में एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरियंस। तो फर्क क्या आ गया, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन विच इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई, और एक्स आई एक्स बार का जो होल स्क्वायर था सिग्मा उसके साथ क्या आएगा एफ आई, इसका आपको सिग्मा निकालना है। क्लियर हो गया? ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरियंस, लेकिन ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, ये आपकी कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे फर्स्ट कॉलम क्या है आपका एक्स आई, जो एक्स आई की वैल्यू है आपकी वो क्या है हमारी 6, 10, 14, 6, 10, 18, 24, 18, 24, 28, 30। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, एफ आई क्या है आपका 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। देखो जब डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, डिस्क्रीट सीरीज, उसमें एक्स आई और एफ आई गिवन होते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, आपको फाइंड करना होता है एफ आई एक्स आई, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्या फाइंड करना होता है एफ आई एक्स आई। तो स्टेप वन क्या हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में, फाइंड एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का मतलब 6 2 जा क्या हो गया 12, 10 4 जा 40, 14 7 जा। जब हम एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज आएंगी 6 2 जा 12, 10 into 4, 40, 14 7 जा 98, 18 into 12, 216, 24 into 8, 192, 28 into 4, 112, 33 जा 90। स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या करना है, इन सबका सम निकालना है, इन सबका क्या निकालना है सम, तो सम क्या आएगा, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 760। तो ये आपका स्टेप वन एफ आई एक्स आई हो गया। स्टेप टू में क्या फाइंड किया आपने, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। अब क्या फाइंड करना है, मीन। स्टेप थ्री सम ऑफ एफ आई, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे सम ऑफ एफ आई, तो ये किसके इक्वल आएगा 40, तो सम ऑफ एफ आई क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। स्टेप थ्री भी हो गया कि आपने क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ एफ आई। स्टेप फोर में अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन। मीन तो मीन क्या होता है, एक्स बार विच इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। अब सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है आपका 760, और ये कितना आया हमारा 40, ये हो गया 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 6 क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, तो कहना से दैट ये 19 आएगा, ये आपका क्या आएगा 19। तो मेन जो पार्ट था आपका एक कि आपको मीन फाइंड करना था, वो आपका क्या आ गया 19। तो आपका जो एक्स बार है, एक्स बार उसकी वैल्यू क्या आ गई 19। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि 6 और 19 का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस आएगा विद एक्स बार का मतलब क्या है, कैन आई से दैट आपको एक्स आई माइनस 19 फाइंड करना है, यानी कि हर एक्स आई में से 19। तो अब 6 6 -19 -13, 10 -19 -9, 14 -19 -5, 18 -19 -1, 24 -19 -5, 28 -19 -9 और 30 -19 क्या हो जाएगा 11। ये भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या 169, तो माइनस है तो सबका प्लस हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है आपको, एफ आई इंटू सेम वही जो मीन डेविएशन वाला था, बस वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ करोगे। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू देखो 2 × 169 दैट इज 338, 4 × 81 324, 7 × 25 175, 12 × 1 12, 8 × 25 क्या होगा 200, 4 × 81 324 और 3 × 121 आ जाएगा 363। और जब हम इन सभी वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 1736। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, वेरियंस। अब ध्यान से सुनना, जब आप वेरियंस फाइंड करोगे, वेरियंस, वेरियंस का सिंबल क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में आता है 1/n, लेकिन जब आप डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज करते हो तो 1/N आता है। अब दोनों का डिफरेंस समझो, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और कैपिटल एन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या कहा, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो सम ऑफ एफ आई है यही आपका क्या है, कैपिटल एन। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूस सीरीज में 1/n आता है, समझ में आ गया, ठीक है। इनटू क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ तो स्मॉल n आएगा, यहाँ पर क्या आएगा स्मॉल, कि जितनी भी ये वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सभी का 7 का सम, और यहाँ पर क्या आएगा एफ आई विद इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में। फर्क क्या रह गया, बस यहाँ पर एफ आई आ गया और यहाँ पर कैपिटल एन हो गया, बात क्लियर होगी, ठीक है। तो 1/n क्या हो गया, 1/n यानी कि सम ऑफ एफ आई, तो ये कितना हो गया 1/40, और ये सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं बोल सकता हूँ 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो i इज इक्वल टू 1 to 7 का ये जो सम आया आपका ये कितना है 1736। तो कैन आई से दैट 2 × 2 = 4, 0 और 2 × 8 = 16, 1, 3, 2, 6 = 12, 2 × 8 = 16, बस 10 तक कर लो फिर तो डेसिमल आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 1, 0 है, तो क्या होना चाहिए 43.4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखो फर्स्ट कॉलम किसका है आपका, एक्स आई का, सेकंड कॉलम क्या है आपका फ्रीक्वेंसी का। तो एक्स आई में क्या है 92, 93, 97, 98, 102, 104 और 109, और एफ आई में क्या है आपका 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3, 2, 6, 3, 3। तो सबसे पहले सम ऑफ एफ आई बताओ क्या होगा, सम ऑफ एफ आई और जिसको हम क्या कहते हैं कैपिटल एन, इट इज इक्वल टू 22, ये क्लियर है। तो पहले क्या फाइंड करोगे, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, तो क्या नहीं से दैट, तो जब आप एफ आई एक्स आई फाइंड करोगे तो 92 × 3 ये क्या आ जाएगा 276, 93 × 2 क्या हो जाएगा 186, 97 × 3 क्या होगा 291, 98 × 2 196, 102 × 6 612, 104 × 3 312 और 109 × 3 होगा 327। और जब हम इन सबका सम करेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई इट विल बी इक्वल टू 2200, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, नेक्स्ट वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे मीन। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, मीन। तो मीन क्या होता है,
एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई और कैपिटल एन। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 2200, तो ये हो गया 2200 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई दैट इज एन, किसके इक्वल है 22। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो इसका मतलब जो मीन आ रहा है आपका एक्स बार वो किसके इक्वल आ रहा है 100 के इक्वल आ रहा है। पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 92 और 100 का डिफरेंस -8, 93 और 100 का डिफरेंस -7, 97 और 100 का डिफरेंस 98 और 100 का डिफरेंस -2, 102 और 100 का डिफरेंस 2, 104 और 100 का डिफरेंस 4, और 9 और 100 का डिफरेंस कितना हो गया 9। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 4, 4 स्क्वायर 16 और 9 स्क्वायर 81, ये भी हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 3 इंटू 64 दैट इज 192, 2 इंटू 49 98, 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 4 8, देन 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 16 48 और 3 इंटू 81 243। और जब आप इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 640। अब फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता दो जी, फॉर्मूला ऑफ वेरियंस, वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वेरियंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 बाय कैपिटल एन, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये कितनी आई है 640, और ये जो सम ऑफ 1 बाय एन कैपिटल एन किसके इक्वल है 22। तो 2 1 2 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 0, 320 को 11 से डिवाइड करोगे 29.09 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप क्वेश्चन को देखो तो उसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों किससे फाइंड करना है, शॉर्टकट मेथड से। किससे फाइंड करना है, शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई, ए प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई अपॉन एन इंटू क्या होता है, एच होता है। जहाँ पर कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एफ आई, यही बताया था। एच का मतलब क्या होता है, देखो अगर क्लास इंटरवल हो तो क्लास साइज, और अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो एक नंबर, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है फिर वो आपका एच होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होता है, सिग्मा, और वेरिएंस का क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो कहना चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखना हो आपको तो वो क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू एच बाई एन स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और वेरियंस से निकालो या फिर क्या होता है कि अगर आप वेरियंस से इसको निकालो, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन पता तो इसी से वेरियंस का भी फिर आप बता सकते हो। अगर इस दोनों को कंपेयर करो तो वेरियंस क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो वेरियंस का फॉर्मूला भी आ गया। तो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया, स्क्वायर रूट है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से मीन, ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है,
ए प्लस एफ आई, वहाँ डी आई बोलते थे, यहाँ पर क्या वाई आई। और अब बात आती है सर वाई आई क्या होता है, यहाँ पे जो वाई आई होता है आपका, इट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। वाई आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन एंड वेरियंस फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको लिखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नॉट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो दिस इज शॉर्टकट मेथड, बड़े कहने के लिए शॉर्टकट है, बोला जाएगा तभी शॉर्टकट से करना आपको, अदरवाइज नॉर्मल मेथड से ही करोगे, फिर बोलने बोलने के लिए शॉर्टकट है ये आपका, बाकी शॉर्टकट वाली कोई बात आपको यहाँ दिख भी नहीं रही होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो करें क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहा जा रहा है आपको, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो गिवन क्या है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में, फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, एक्स आई, वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है आपकी, 60, 61, क्या है 60, 61, देन 62, देन 63, देन 64, 65, 66, 67 एंड 68। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, और कितना कितना है, 1। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस के हिसाब से अगर एच की वैल्यू देखी जाए तो क्या होगी, 1। इंडिविजुअल सीरीज में वही डिफरेंस हो, एच का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, जो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है। फिर एफ आई पर आ जाओ, एफ आई क्या है, एफ आई इज 2, 1, 12, 29, 25, then 12, 10, 4 and 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड क्या करना है, मीन। अब यहाँ से मीन लेना हो तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैं सेंट्रल वैल्यू ये ले लेता हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एज्यूम वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं यही लेना है, पर यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, तो इसको हमने मान लिया, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ये क्लियर हो गया। तो लेट एज्यूम मीन, जिसको हम ए कहते हैं, वो क्या हो गया 64, वो क्या हो गया 64। तो बाय शॉर्टकट मेथड। अच्छा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऐसे कोई तो लॉजिक होता होगा क्यों हमें अप्लाई करते हैं इसको नॉर्मल मेथड से, क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ। ये अप्लाई तब किया जाता है जब वैल्यूज़ बड़ी हो, जैसे देखो 60, 61, 62, क्योंकि ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ को तोड़ देता है। अभी देखना आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, जब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है ये ब्रेक हो जाती है। कैसे होती है अभी दिखाता हूँ आपको, बाय शॉर्टकट मेथड। बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, बाय शॉर्टकट मेथड मीन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स बार किसके इक्वल होता है, ए प्लस, क्या होता है ए प्लस, तो ये हो जाएगा ए प्लस, फिर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई देन वाई आई अपॉन एन इंटू एच। तो पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, वाई आई, तो वाई आई क्या बताया था आपको, वेयर वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं वाई आई, तो क्या लिखोगे आप, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है बस, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पे वाई आई, यहाँ पे एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है 60, तो ये हो गया आपका 60 माइनस ए क्या है 64, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा 64, एस तो सभी में 1 ही है, ये कितना है 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा -4, कितना आ गया -4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाई आई क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू देखो 61, अब आपको पता है एस तो 1 है, एच यहाँ पर क्या रहेगा 1, तो 61 माइनस 64 कितना हो गया -3। बस ये देखो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है +1, तो बस +1 करते जाओ, तो ये कितना होगा -2, फिर क्या होगा -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4। चेक भी कर सकते हो 68, ये वैल्यू कितनी है 68 माइनस 64 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये तो हो गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है एफ आई वाई आई। अब आपको क्या फाइंड करना है एफ आई
वाई आई, तो जब आप एफ आई वाई आई फाइंड करोगे, एफ आई वाई आई, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस फोर इंटू टू माइनस एट, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, ट्वेल्व इंटू माइनस टू माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी नाइन इंटू माइनस वन माइनस ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो जीरो, ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व, टेन टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, फाइव फोर जा कितना हो गया ट्वेंटी हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्या आ गया आपके पास सम ऑफ, ये क्या आ गया आपके पास एफ आई वाई आई, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये सारी प्लस की आइटम है, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी, फोर्टी और ट्वेंटी फोर कितना हो गया सिक्सटी फोर, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी, फोर्टी और ट्वेंटी फोर कितना हो गया सिक्स, तो प्लस वाली जो आइटम है वो तो आ रही है आपकी सिक्सटी फोर। और माइनस वाली देखो, एट प्लस थ्री कितना हो गया इलेवन, तो ये हो गया इलेवन, और ये कितना हो गया ट्वेंटी फोर, और ये कितना हो गया ट्वेंटी नाइन, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस वन फोर कितना हो गया फोर्टीन, फोर फाइव और वन कितना हो गया सिक्सटी, ये आ गया माइनस सिक्सटी फोर। तो कैन आई से दैट, अगर मैं, अगर क्या निकालता हूं मैं, सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई वाई आई, तो किसके इक्वल आ रहा है ये, जीरो के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है जीरो के इक्वल आ रहा है, वेयर, यहां पे कुछ इस तरह से लिखना वेयर। नाउ तो एक्स बार किसके इक्वल होगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू ए, इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए ऐसे ले सकते हो, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू स्मॉल एन, पता है ना स्मॉल एन, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये एन, ये इस तरह से लिखा आपने और अपॉन में क्या हो गया आपका एन। अब देखो जी, ए आपका क्या है 64 और ये वैल्यू आपकी क्या आ गई जीरो, जैसे ये जीरो आ गया, अच्छा सम ऑफ एफ आई क्या होगा ये भी बता दो जी, सम ऑफ एफ आई 100 कितना आएगा आपका ये 100, तो सम ऑफ एफ आई कितना हो गया आपका 100, तो एन कैपिटल एन हो गया सम ऑफ एफ आई, एच की जगह क्या हो जाएगा 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया, तो मीन जो आ रहा है आपका वो 64 आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर, मीन कितना आएगा हमारा 60। स्टैंडर्ड डेविएशन था या वेरियंस था आपका, फॉर्मूला क्या था, एच बाई एन, अब आपको एच भी पता है एन भी पता है, फिर क्या था, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले की बात कर दूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन सिंबल क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एच बाय एन स्क्वायर रूट एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। अब मुझे एक एक करके सारी वैल्यूज चाहिए, तो पहले मुझे क्या चाहिए, देखो वाई आई तो है आपके पास, तो आप क्या फाइंड करोगे वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर, तो वाई आई स्क्वायर क्या होगा माइनस फोर का स्क्वायर 16, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, माइनस टू का स्क्वायर 4, माइनस वन का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, क्लियर हो गया। अब आपको फाइंड करना एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, क्या फाइंड करना है एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, तो देखो 2 इंटू 16 कितना एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 कितना 32, 1 ये क्या है 1, तो 1 इंटू 9 9, देन 12, 12 इंटू 4 48, देन 29 इंटू 1 कितना हो जाएगा 29, नेक्स्ट वैल्यू 25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 9 36 कितना आ गया 36, 16 5 जा 80 कितना आ गया 80, ये क्लियर हो गया 16 5 जा 80। अभी तक देखो कहीं बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, नहीं आई, यही शॉर्टकट मेथड होता है कि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो हम शॉर्टकट मेथड इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो उसको मेथड देखने में बड़ा है लेकिन आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है। अब क्या फाइंड करोगे आप सिग्मा, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो ये कितना आएगा 286, तो जब आप इसको सम करोगे इट विल बी इक्वल टू 286, जब आप इस वैल्यू को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी ये 286 आ गई। सिग्मा एफ आई वाई आई ऑलरेडी निकाल चुके कितना है जीरो, तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट, देखो ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, ये क्या है सिग्मा वाई आई स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिंबल क्या होता है
सिग्मा विल बी इक्वल टू एच, एच की वैल्यू क्या है वन, तो एच की जगह क्या लिखोगे वन अपॉन में क्या आ जाएगा हंड्रेड स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन की जगह क्या हो जाएगा हंड्रेड, सिग्मा एफ आई वाई स्क्वायर कितना हो गया 286, आगे क्या है माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कितना जीरो, तो इसका जीरो का स्क्वायर तो माइनस हो गया जीरो का स्क्वायर, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, तो ये हो गया आपका वन बाय हंड्रेड, हंड्रेड का स्क्वायर रूट क्या होगा टेन, इंटू में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 286, इंटू में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 286, ये बात समझ में आ रही है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 286 का जो स्क्वायर रूट है वो 16.9 होता है, कितना होता है 16.9 समथिंग आएगा, 16.9 अप्रॉक्स लेके चलो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10, डेसिमल रिमूव करोगे क्या हो गया 100, तो बेसिकली कैन आई से दैट विच इंप्लाइज जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है विच इज सिग्मा, इट विल बी इक्वल टू 1.69 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड वेरियंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, तो पहले बताओ ये सीरीज कौन सी है आपकी, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस है, ग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा है, ग्रुपिंग कर रखे ना आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पहले आपको गिवन है क्लास इंटरवल, तो फर्स्ट कॉलम में क्या गिवन है क्लास इंटरवल, तो वैल्यूज बताओ क्या है 0 to 32, 62, 90, 92, 120, 122, 150, 152, 180 or 182, 210, ये क्लियर हो गया 182, 210। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी की बना, फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं हम एफ आई, फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं हम एफ आई, एफ आई की वैल्यू क्या है 2, 3, 5, 10, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 10, 3, 5, 2, 3, 5, 2। आपको मीन और वेरियंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मीन और वेरियंस, बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक्स आई फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा एक्स आई, तो एक्स आई क्या होती है मिड वैल्यू, तो आप क्या फाइंड करोगे मिड वैल्यू दैट इज एक्स आई, तो 0 और 30 की मिड वैल्यू 15, क्या होगा 15, अब इनका जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है 30-30 का, 15 में 30 ऐड कर दो 45 में 30 ऐड कर दो 75 में 30 ऐड कर दो 105, ये क्या हो जाएगा 135, फिर देन 165 में 30 ऐड करोगे तो 70 और 30 कितना हो गया 200, 165 में जब आप 35 ऐड करोगे, नहीं 35 है 30, अच्छा 30 करना है तो 195 हो जाएगा, तो 165 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 190, ये क्लियर हो गया, ठीक है 165 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 195, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप जितना भी ये क्लास इंटरवल्स है सभी का क्लास साइज क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आई, और वाई आई किसके इक्वल होता है, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, वाई आई किसके इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है चलू मैं आगे। अब ए क्या लोगे यहाँ पर, तीन वैल्यू ऊपर की छोड़ दो, तीन नीचे की छोड़ दो, इसको ए ले ले, पर मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ सेंट्रल वैल्यू ही जरूरी नहीं है लेना होता है, लेकिन अगर सेंट्रल वैल्यू दिख रही है तो उसी को ले लो फिर, तो फर्स्ट वैल्यू देखो, सिर्फ फर्स्ट फाइंड करनी है आपको, पता बाकी तो उतना डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो वाई आई क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी, अगर मैं वाई आई की फर्स्ट वैल्यू निकालता हूँ तो ये है 15 माइनस ए, ए कितना है 105, और एच कितना है आपका इनके बीच का डिफरेंस, जो यहाँ पर कितना आपका 30, जो यहाँ पर कितना आपका 30, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 और ये हो गया 90, तो क्या मैं बोल सकता हूँ -3 कितना आएगा -3, तो यहाँ पर आ गया आपका -3, कितना आ गया -3। सेकेंड वैल्यू देखो, यहाँ से क्या है आपकी 45, फिर क्या है 105 डिवाइडेड बाय क्या है 30, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 4 6,
ये कितना आ रहा है माइनस टू, तो कितने का डिफरेंस आ गया इन दोनों में ये भी बता दो, प्लस वन का। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कुछ ऐसे ही किया था, प्लस वन करो माइनस वन, यहीं से समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है, क्योंकि यहाँ आके वो जीरो ही आएगा। 105 माइनस 105 क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो वाई आई आ गया हमारा, वाई आई के बाद फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना होता है, एफ आई वाई आई। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं कहा है, यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं कहा ना शॉर्टकट से करो, पर आपको समझ में आ रहा है, मैंने कहा नहीं कहा तो आपकी मर्जी होती है, लेकिन आइडियली क्यों हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो देखो एफ आई वाई आई, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, टेन इंटू जीरो थ्री इंटू वन, फाइव टू जा और टू थ्री जा सिक्स। अब अगर मैं प्लस वाली आइटम को ऐड करता हूँ, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, प्लस थ्री क्या हो जाएगा नाइनटीन, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व और फाइव सेवनटीन, तो माइनस सेवनटीन, तो मैं बोलूँ टू आएगा, तो सम ऑफ एफ आई वाई आई क्या आएगा आपका टू आएगा। तो सम ऑफ एफ आई वाई आई इज इक्वल टू टू। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या था ये भी बता दो जी, ए प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू वन टू स्मॉल एन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच, यही था बाय शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू। तो ए आपका क्या है 105, ये आपका कितना है 2, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बताओ क्या आएगा 30, राइट, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 30, यानी कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी 30, एच आपने अभी बताया था ये भी 30 है। सभी का देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या यहाँ पे देख लो मिड वैल्यू से कैसे जज करोगे जो इनके बीच का डिफरेंस है, 30 से 30 कैंसिल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मीन की वैल्यू 107 आएगी, मीन की वैल्यू कितनी आएगी 107, तो मीन हो गया क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना, वेरियंस, वेरियंस के लिए पहले क्या करना होगा जल्दी बताओ, वाई आई स्क्वायर, क्या फाइंड करना होगा वाई आई स्क्वायर, तो बताओ जी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या फाइंड करना है हमें, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, तो एफ आई देखो जी टू इंटू नाइन क्या होगा 18, देन थ्री इंटू फोर एट, फाइव इंटू वन, ओहो नेक्स्ट क्या होगा थ्री इंटू फोर क्या होगा 12, फाइव इंटू वन क्या होगा 5, 10 इंटू जीरो क्या होगा 0, 3 इंटू वन 3, 5 इंटू फोर 20, 2 इंटू नाइन 18, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर जो इन सबको प्लस करके आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 76। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या फाइंड करना हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, नो हमें क्या, अब क्या फाइंड करना हमें वेरियंस, नो बट वी हैव टू फाइंड वेरियंस, तो बताएगा वेरियंस का फॉर्मूला क्या था बताओगे, पहले वेरियंस का सिंबल बताओ, वेरियंस का सिंबल क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही था। फिर क्या हो जाता है जी एन इंटू सिग्मा, क्या स्क्वायर रूट आएगा नहीं आएगा, अब सत्संग की तरह मत चलना, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो गया, देन विद इन ब्रैकेट एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, एच कितना है 30, तो मैं लिखूं 30 स्क्वायर 30 इंटू 30, एन सम ऑफ एफ आई कितना था 30, तो देखो यहाँ तो बेनिफिट हो गया सेम आ गया। अब एन कितना है आपका 30, सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर 76, सम ऑफ एफ आई वाई आई
टू, तो ये हो गया टू स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ तो आ गया वन, फिर टू टू 76 इंटू 30 क्या होगा 2280 माइनस क्या होगा 4, तो आंसर क्या हो गया 2276। तो ये आपका वेरिएंस आ गया। अब अगर आपको मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करते, स्क्वायर रूट कर देते वेरिएंस का, तो आपके पास क्या आ जाता, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, फर्स्टली आपको क्या गिवन है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इज 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, नेक्स्ट वैल्यू 30 to 40 और 40 to 50। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई। तो एफ आई क्या है, 5, 8, 15, 16 और 6। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिड वैल्यू, वी विल फाइंड द एक्स आई, वी विल फाइंड द एक्स आई, दैट इज मिड वैल्यू। तो आप एक्स आई फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, एक्स आई। तो जब आप एक्स आई फाइंड करोगे तो 0 + 10 / 2 = 5। अब इसका डिफरेंस देखो 10 का है, तो जाहिर सी बात है फिर ये क्या होगा 15, ये क्या होगा 25, ये और ये 45। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आई, वाई आई इक्वल टू क्या, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय। अब देखो दो ऊपर की वैल्यू छोड़ दो ये, तो ए क्या हो गया आपका 25, ये क्या हो गया आपका 25। तो वाई आई की अगर फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो एक्स आई क्या है आपका 5, एक्स आई क्या है आपका 5, ए क्या है 25, डिवाइडेड बाय एच, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो ये कितना हो गया माइनस 20, ये कितना आ गया माइनस 2, तो मैं लिखूं यहाँ पे माइनस 2, क्या आ जाएगा माइनस 2। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15, और ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 10, 15 माइनस 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कितने, ये आ गया माइनस, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। आप देख भी सकते हो 25 माइनस 25 करते 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 और ये आपका कितना आएगा 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करोगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो ऐसे ही चलता है और उसका सम 0 ही आता है। ये क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेक्स्ट कॉलम क्या फाइंड करोगे, एफ आई वाई आई। देखो जी 5 - -2 - 10, 8 - -1 - 8, 15 - 0 - 0, 16 - 1 - 16, 6 - 2 - 12। तो क्या फाइंड करोगे, सम ऑफ एफ आई वाई आई, 6 + 2 कितना हो गया 8, 1 + 1 कितना हो गया 2, 10 + 8 कितना हो गया 18, 8 - 8 - 0, 2 - 1 - 1, तो कितना आ रहा है, कितना आ गया आपका 10। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन। तो क्या लिखोगे, बाय शॉर्टकट मेथड मीन, विच इज एक्स बार इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वाई आई अपॉन एन इंटू एच। तो ए कितना है आपका 25, ये वैल्यू कितनी आई है आपकी 10, सम ऑफ एफ आई कितना है, सम ऑफ एफ आई है आपका 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50, और एच एन के बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 - 2 = 10, तो 25 + 2, तो मीन कितना आना चाहिए 27, यही आ रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे हम, वाई आई स्क्वायर। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा आपका, वाई आई स्क्वायर।
तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर। फिर क्या फाइंड करोगे? एफ आई वाई आई स्क्वायर, एफ आई वाई आई स्क्वायर। तो देखो जी, फाइव इंटू फोर क्या हो गया? ट्वेंटी। एट इंटू वन एट। फिफ्टीन इंटू जीरो जीरो। सिक्सटीन इंटू वन सिक्सटीन। और सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर। तो सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर क्या आएगा? सिक्सटी एट। इट विल बी इक्वल टू 68। ये क्लियर हो गया? अब हमें क्या फाइंड करना है? वेरियंस। हमें क्या फाइंड करना है? वेरियंस। नाउ वेरियंस सिंबल क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस व्हाट? सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। एच क्या है हमारा? एच टेन। तो ये हो गया टेन। टेन स्क्वायर क्या होगा? टेन इंटू टेन। सम ऑफ एफ आई क्या है? फिफ्टी। तो एन स्क्वायर क्या होगा? फिफ्टी इंटू फिफ्टी। फिर एन की जगह क्या आएगा? एन की जगह क्या आएगा? फिफ्टी इंटू सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिक्सटी एट। सम ऑफ एफ आई वाई आई क्या हो जाएगा? टेन। और टेन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। मैं लिखूं वन बाय ट्वेंटी फाइव, ये कितना होगा? थर्टी फोर हंड्रेड। सिक्सटी एट इंटू फिफ्टी क्या होगा? थर्टी फोर हंड्रेड। माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? हंड्रेड। तो थर्टी फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड इट विल बी थर्टी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ट्वेंटी फाइव। तो पहले तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, थ्री जीरो फाइव सिक्स जा थर्टी और जीरो, कुछ ऐसे ही आएगा। फाइव सिक्स जा थर्टी, थ्री जीरो फाइव सिक्स जा थर्टी और जीरो। और फाइव से करोगे तो फाइव वन जा फाइव, वन सिक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और फाइव टू, वन थर्टी टू आना चाहिए आपका वेरियंस। क्या आएगा? 132। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन। इन क्वेश्चन नंबर नाइन वी हैव टू फाइंड, देखो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है, इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको। मीन भी फाइंड करना है, वेरियंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। फाइंड मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड हाइट। हाइट का मतलब क्या गिवन है आपको? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स में वैल्यूज क्या है? 70 to 75, 70 to 75, देन 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, एंड देन 92, 95, 95 to 100, देन 100 to 105, 105 to 110 और 110 to 115। ये क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है? 3477, 3477, देन 15 9, 15 9, 663, 663। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यू विल फाइंड द मिड वैल्यू दैट इज एक्स आई। तो 70 plus 75 by 2 क्या? 72.5। अब इनका डिफरेंस देखो, पांच पांच का है तो 72, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हाँ जी 77.5। पांच पांच इसमें जोड़ते जाओ तो ये हो गया आपका 72.5 प्लस 5 हो गया 77.5। फिर ये कितना हो जाएगा आपका? 82.5। फिर ये हो जाएगा 87.5। फिर इसमें जोड़ोगे तो कितना? 92.5। इसमें 97.5। फिर 102.5, 107.5 एंड देन 112.5। कोई डाउट? यहाँ एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब इसमें एज्यूम इन वैल्यू जब आप लोगे तो क्या लोगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बनती है
फोर ऊपर से छोड़ दो, फोर यहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया ए। तो आपने क्या ले लिया, लेट एज्यूम मीन, इसको हम क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू 92.5, क्या हो गया 92.5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड मीन सिंबल क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन इनटू क्या हो जाएगा, एच, क्या हो जाएगा एच। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, होगा कुछ ऐसा, क्लियर हो गया, ठीक है। और फर्स्ट जो वाई आई की आप वैल्यू फाइंड करोगे, तो एक्स आई क्या है फर्स्ट केस में 72.5, तो यहां पर क्या आ जाएगा 70, पहले एक ही जगह वाई आई की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा 72.5 माइनस ए, ए हमारा क्या है 92.5 डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, हाँ जी डिवाइडेड बाय ना, अच्छा तो मैं कहाँ फॉर्मूले में चला गया, ठीक है भाई। तो वाई आई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, एच की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। अब इसका डिफरेंस बताओ, 20 डिवाइडेड माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया -4, कितना आ गया -4। तो ये आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये -4 आ रही है। अब आपको पता कितने कितने का डिफरेंस आता है, एक करके भी देख लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 77.5 माइनस 92.5 डिवाइडेड बाय 5, इसका डिफरेंस बताओ कितना, 5 में से 5 गया 0, 12 माइनस 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया -3। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है वो कितना कितना जाएगा +1, -3 +1 ये कितना हो जाएगा -2, फिर ये कितना हो जाएगा -1, ये आप यहीं से जज कर लो, 92.5 माइनस 92.5 तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें, नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड करोगे, एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई, तो बताओ जी 3 इंटू -4 कितना -12, 4 इंटू -3 फिर -12, 7 इंटू -2 -14, 7 इंटू -1 -7, 15 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 और 3 इंटू 4 12। तो जब इसको ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो प्लस वाली आइटम देखो, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, 42 और 9 कितना हो गया 51, प्लस वाली आइटम कितनी आ रही 51। यहाँ देखो 12 और 12 कितना हो गया 24, 14 और 7 कितना हो गया 21, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो ये प्लस का 51 और माइनस का 45, कितने का डिफरेंस आ गया 6 का, कितना डिफरेंस आ गया 6 का, तो सम ऑफ एफ आई वाई आई आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, ये क्लियर हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई कर देते हैं, ए हमारा क्या था, ए नाउ ए इज इक्वल टू 92.5 प्लस सम ऑफ एफ आई वाई आई क्या है 6, व्हाट अबाउट सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3 60, इट विल बी इक्वल टू 60, इट विल बी इक्वल टू 60, तो ये आपका आ गया 6 अपॉन 60 एच 5, एच कितना है, अगर इसका यहाँ से देखो, यहाँ से देखो तो एच कितना है आपका 5, तो 5 के टेबल में 60 किस पर आता है 12 पर, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो 1 बाय 2 0.5, तो
तो ये हो गया 92.5 प्लस 0.5, तो मीन कितना होगा 93। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मीन कितना आ गया 93। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई आई स्क्वायर। तो बताओ जी, माइनस फोर का स्क्वायर क्या 16, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, माइनस टू का स्क्वायर 4, माइनस वन का स्क्वायर 1, जीरो का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, टू का स्क्वायर 4, थ्री का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई डाउट? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर। तो एफ आई देखो क्या है आपका 3, 3 इंटू 16 48, 4, 4 इंटू 9 36, 7, 7 इंटू 4 28, 7, 7 इंटू 1 7, 15, 15 इंटू 0 0, 9, 9 इंटू 1 9, 6, 6 इंटू 4 24, then 6 इंटू 9 9 6 जा 54, 16 3 जा 48। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? अब सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर दैट इज 254, इट इज इक्वल टू 254, इट इज इक्वल टू 254। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब बताओ जी वेरिएंस का मेथड क्या था, बताओ। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है आपका सिंबल सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर। एच क्या होता है, एच यहां पर क्या है 5, तो एच की जगह हो जाएगा 5 इंटू 5, कोई डाउट? एन क्या है 60, तो 60 इंटू 60, फिर एन की जगह क्या आ जाएगा 60, सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना है 254, सिग्मा एफ आई वाई आई 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, कोई डाउट है तो बताओ। 5 के टेबल में ये किस पर जाएगा 12 पर, 5 के टेबल पर किस पर जाएगा 12 पर, तो ये इक्वल टू में हो गया 1 अपॉन 144, कोई डाउट? 60 इंटू 254 15240, माइनस क्या हो जाएगा 36, अब 40 में से 36 क्या 4, तो ये कितना हो गया 15204। अब बताओ जी किस पर कैंसिल हो गए, पहले तो 2 से कर लेते हैं, 27 जा 14, 22 जा 4, फिर 27 जा 14 12, 26 जा 12 0, 22 जा 4, अब किस पर जाना चाहिए 23 जा 6, 26 जा 12, देन 23 जा 6 16, 28 जा 16 0, 21 जा 2, अब 3801 को 36 से डिवाइड करोगे इट विल बी इक्वल टू 105.58। 3801 को जब आप 36 से डिवाइड करोगे इट विल बी 105.58। ये आपका वेरिएंस आ गया, ये क्या आ गया आपका वेरिएंस। अब ये बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से कैसे निकालोगे, इसका रूट निकाल के। तो वेरिएंस हमारा आ गया, वेरिएंस का मतलब दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 105.58। ये क्लियर हो गया? अब आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सिंबल क्या होता है सिग्मा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 105.58। अब देखो ये वैल्यू क्या है आपकी, अच्छा इसको करने का देखो मेथड क्या है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 10558, डेसिमल रिमूव करके नीचे क्या आएगा ये बताओ, बताओ जी डेसिमल रिमूव करके क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 का स्क्वायर रूट पता आपको 10 हो गया, तो ये हो गया 1/10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 105.58,
स्क्वायर रूट ऑफ 10558, समझ में आ गया? ठीक है, तो 10558 का स्क्वायर रूट कैसे करोगे? 10558, तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, फिर 0 5 0 5 आ गया, 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2। जब दो पेयर आप एक साथ लेते हो तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। अब ये किस पर जाएगा? 2 पर जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया 4 5, और 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1। बस इतना करके छोड़ दो इसको, 1/10 हो गया, इनटू में क्या हो गया? 102, तो ये हो गया आपका 10.2, ये आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ड्रॉन इन अ डिजाइन आर गिवन बिलो। डायमीटर मीन्स आपको डायमीटर की फॉर्म में क्या गिवन है यहाँ पर? क्लास इंटरवल। क्या गिवन है? क्लास इंटरवल। फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है? 33 to 36। नेक्स्ट वन इज 37 to 40। नेक्स्ट वन इज 41 to 44। देन 45 to 48। देन 49 to 52। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सर्कल, दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज 15 17 21 22 and 25। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें? वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि क्या ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है? नहीं। क्या ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है? नहीं है। दूसरी चीज ये देखो कि जब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं, क्या उसमें हम एच का यूज करते हैं? बिल्कुल, वहां पे हम एच की रिक्वायरमेंट होती है। मीन वाले फॉर्मूले में भी हमें एच की रिक्वायरमेंट होती है। जहां एच की रिक्वायरमेंट होगी वहां एक कंडीशन होती है कि आपका ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कंटिन्यूटी में। तो ये जो इसको कंटिन्यूटी में कैसे कर सकते हैं? देखो 33 to 36, क्या है? 33 to 36। तो 33 to 36 को कंटिन्यूटी में कैसे करूंगा मैं? तो इसमें से 0.5 कम, 0.5 ऐड। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है, ये वाला जो क्लास इंटरवल है, ये क्या होना चाहिए आपका? 32.5 to 36.5। इसी तरह से फिर इसमें से 0.5 लेस कर दो तो 36.5 to 39.5 40.5 36.5 to 40.5, देन ये क्या हो जाएगा आपका? 40.5 to 44.5, फिर ये क्या हो जाएगा? 44.5 to 48.5, और ये हो जाएगा आपका 48.5 to 52.5। कोई डाउट? ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। क्लास इंटरवल के बाद अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए? एक्स आई, मिड वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है? मिड वैल्यू, दैट इज एक्स आई। तो जब आप एक्स आई फाइंड करोगे, जब आप एक्स आई फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? 32.5 + 36.5 / 2। 36.5 और 32.5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 7 और 2 9, या 69। तो ये कितना हो गया? 69/2। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसका डिफरेंस बताओ कितना है? 4। 36 और 32, 4, इसमें 4 ऐड करो तो क्या होगा? 38.5, then 50.5, इसको अगर आप चेक करते हो 52.5 और 48.5, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10, 10 और 1, 11, 6 और 4, 10, तो 101.0, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर क्या आ जाएगा? 0, और ये 50.5 इसके इक्वल ही आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? बाय शॉर्टकट मेथड मीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? बाय शॉर्टकट मेथड मीन विच इज x बार इज इक्वल टू a प्लस वॉट?
सिग्मा एफ आई वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई या कैपिटल एन इंटू में क्या होता है एच इंटू में क्या, जहाँ ये एच होगा बस वहाँ ध्यान रखना कि आपका ये गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा जी अब आगे देखो, अब वाई आई का फॉर्मूला क्या था, वेयर वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच, तो यहाँ वाई आई फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे वाई आई, और वाई आई किसके इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब सेंट्रल वैल्यू क्या है तो इसको ले लेते हैं, वैसे मैंने कहा था कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी एक्स आई क्या है 34.5, नेक्स्ट क्या है 42.5 अपॉन में एच क्या है 4, एच क्या है आपका 4। अब देखो जी 5 से 5 तो 0, 12 माइनस 4 8, तो बेसिकली ये आ रहा है माइनस 8 बाय 4, माइनस 8 बाय 4 तो कितना हो गया माइनस 2। अब आपको पता है कंटिन्यूटी में आता है, अगर ये माइनस 2 है तो ये क्या होगा माइनस 1, और ये चेक भी हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 0, फिर ये होगा 1 और ये क्या होगा 2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं वो क्या होता है एफ आई वाई आई, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं वो क्या होता है एफ आई वाई आई। अब एफ आई आपका 15 इंटू माइनस 2 क्या माइनस 30, 17 इंटू माइनस 1 21 इंटू 0 20, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50। अब ये बताओ सिग्मा एफ आई वाई आई क्या आएगा 25 आएगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा ए, ए क्या है 42.5, सिग्मा एफ आई वाई आई क्या है 25, व्हाट अबाउट सिग्मा एफ आई 100, सिग्मा एफ आई क्या आएगा आपका 100, तो ये वैल्यू जो है आपकी इट विल बी इक्वल टू 100, तो अपॉन में क्या हो गया 100, एच इसके बीच का गैप कितना है 4, 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, 4 से 4 कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ 43.5 मीन आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमें क्या फाइंड करना 43 मीन फाइंड करना था, दैट इज 43.5। अब हमें फाइंड करना है स्टेप डेविएशन, तो आइडियली स्टेप डेविएशन से पहले आप क्या निकालो वेरिएंस, उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ वेरिएंस जिसका सिंबल क्या है सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल था एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन इंटू सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर, वेरी गुड, सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर, सिग्मा एफ आई वाई आई कंप्लीट स्क्वायर, तो एफ आई वाई आई तो आ गया, अब क्या फाइंड करोगे अब आप फाइंड करोगे वाई आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर क्या फाइंड करोगे वाई आई स्क्वायर, तो वाई आई स्क्वायर फाइंड करोगे तो माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस वन का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 का और 2 का स्क्वायर, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर, क्या फाइंड करेंगे एफ आई वाई आई स्क्वायर। अब देखो जी एफ आई क्या है आपका 15, 15 इंटू 4 कितना 60, फिर एफ आई क्या है 17, 17 इंटू 1 कितना 17, फिर कितना है 21, 21 इंटू 0 0, देन 22, 22 इंटू 1 22, देन 25, 25 फोर जा 100, तो ये बताओ सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या 199, जब आप इसको प्लस करोगे इट विल बी इक्वल टू 199, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई करते हैं एच, एच क्या था हमारा 4, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, एन एन क्या था यहाँ पे सम ऑफ एफ आई, एन का मतलब सम ऑफ एफ आई विच इज 100, तो एन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, अगेन एन एन की जगह 100, सम ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना हो गया 199, सम ऑफ एफ आई वाई आई 25, तो ये हो गया 25 स्क्वायर, क्या हो गया 25 स्क्वायर, कोई डाउट। देखो 4 के टेबल में ये 25 पर जाएगा, 4 के टेबल पर ये भी किस पर जाएगा 25 पर, तो ये तो हो गया 1 बाय 25 स्क्वायर दैट इज 625, कितना हो गया 625, ये हो गया 1900 माइनस 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा 625,
ये क्लियर हो गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 19275। क्या आएगा, 19275। अब ये किस पर डिवाइड होगा, 5 पर कर लेते हैं पहले तो, या तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 कितना आ गया 42, 5 8 जा 40 2 7 5 5 जा 25 2 5 5 5 जा 25, फिर जाएगा 5 से, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35 5 1 जा 5। अब ये होगा डिवाइड नहीं, अब ये बताओ 771 को 25 से डिवाइड करके क्या आएगा, 30.84। ये क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, वेरिएंस आ गया, वेरिएंस कितना आ गया 30.84। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो जी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और ये वेरिएंस आ गया आपका। तो कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30.84। तो अगर मैं 30.84 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करता हूँ तो डेसिमल की राइट साइड में भी क्या होगा, पेयर है, और डेसिमल से पहले भी पेयर है। 30 किस पर जाना चाहिए, 5 5 जा 25, तो आपने लिखा 5 5 जा 25, ये हो गया 5, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, पूरा पेयर एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 84। 5 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, 10, क्या आ जाएगा 10। अगर मैं इसको 5 से करता हूँ तो देखो 10 जिससे जिस पर चेक करना वो आगे आएगा, उसी से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25 5 0 जा 0 2 5 1 जा 5, तो मैं बोलूँ 5 पर जाएगा, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 25। 14 माइनस 5 9, तो ये हो जाएगा 9। 7 माइनस 2 5, अब यहाँ पर क्या आएगा, 00, क्या आएगा डबल, 55 का डबल करो, 5 2 जा 10 110 110, अगेन किस पर लग रहा है, 5, चलो 5 पर चेक कर लेते हैं, तो 5 आगे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 5 0 जा 0 2 5 1 जा 5 5 5 2 5, जो से छोटा आ रहा है। तो कैन आई से दैट डेसिमल का 2 डिजिट तक काफ़ी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, 5.55 अप्रॉक्स। कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।